ये तो हमारा है, इधर क्या कर रहा है? कैसे आया यहाँ पे? अच्छा मैंने समझाया तो आप कोई आया हुआ है, हमने पकड़ना है। नहीं, ये किसी और का भी हो सकता है ना। हमारी ही है, मुझे तो हमारी लग रही है। ऐसी है नहीं हमारी, ऐसी बिल्कुल है। नहीं, हमारी नहीं है। क्या हमारी नहीं है? वाकई हमारी है यार। इसकी आंखें इसको पकड़ लो, इसको आदत नहीं है। गई 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 अपने उसमें डर में मैं देखते हैं हमारी है कोई और को नहीं। हमारी नहीं है। यार जी है वो वाली? नहीं वो नजर तो नहीं। वही है यार, वो वहीं पे है। चलो इसको आप पकड़ो। हाँ हाँ शिकारी की तरह बैठ जाओ। ये उड़ेगी, ये उड़ेगी, ये उड़ेगी। ओए 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 आ गई आ गई आ गई, अपने घर वाली साइड पे आ गई। चलो शुक्र है आप घूमते रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार आज ईद का दूसरा दिन है, तो आज आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। और मुझे आज बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई आज आप क्या कर रहे हैं, कि आपने जो मास्टर केज में कबूतर रखे हुए हैं ना, ईद के दिन उनको कर दें आप आज़ाद। आज़ाद कैसे करें? आप उनको मास्टर केज से बाहर निकाल दें, अब वो आपके घर के पक्के हो गए होंगे और उनका पैर भी लग गया होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने इन कबूतरों को ईद के दूसरे दिन आज़ादी देते हैं, मास्टर केज से बाहर निकालते हैं, ताकि हमारे ये परिंदे, हमारे ये कबूतर खुशी खुशी रह सकें और अपने दोस्तों के साथ घुल मिल के रहने लग जाएं। तो चलें दोस्तों आज हम यही काम करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाने वाला हूँ, हमारी गोल्डन क्रॉस मुर्गी भी कुड़क होने वाली है, वो भी कुड़क के साइन हमें दे रही है। तो बस दुआ करें दोस्तों कि वो जल्दी से पक्की कुड़क हो जाए और हम उसके नीचे बहुत सारे अंडे रखें, ताकि वो उन अंडों को इनक्यूबेट करे और उनमें से बच्चे निकाले। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ उसे, और आए दोस्तों पहले वहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बार बार हमारी मुर्गी बैठी हुई होती है, और अभी तो खैर नहीं बैठी, लेकिन ये देखें दो अंडे रखे हुए हैं। ये दूसरा तीसरा दिन है इसके ऊपर बैठी हुई होती है। तो है मुर्गी है कहाँ, मैं देख लूँ, आज देखते हैं। ये कैसे आ गई यार नीचे? बच्चों वाली मानी चाहिए हुई है, उसके बच्चे कुछ ऊपर हैं भाई। ये यहाँ पे भी हैं यार, ऊपर से इन्होंने जंप। दरवाजा बंद था, ये इस काले ने कैसे जंप मारा यार, छोटा सा है वो, शैतान हो गया भाई ये तो। चलो चलो चलो, बाकी सारे ऊपर हैं, माँ नीचे। सही बात, वो समझ रही है, बस ये चार बच्चे ही हैं मेरे। वही ना, उसको परवाह ही नहीं है। तुमने सही बोला था कि इनको पता नहीं चलता। वो देखो ऊपर से, और ऊपर से भी आया वो भी यहाँ से मारेगा, वो देखो वो मार दे। ओए हो क्या यार, और भी है, एक और भी है। चलो चलो इसको खाने आ रहे। तो यार मुर्गी हमारे खुद ही ऊपर आ गई, और ये है हमारी मुर्गी जिसको हम नीचे देखने के लिए गए थे। और इसके हम करीब जाएंगे ना, इसकी आप आवाज सुनिएगा, ये मतलब ये अपने गले से जैसे कुड़क मुर्गी होती है कुड़क कुड़क की आवाजें करती है, उसी तरह से ये कर रही है। और शायद 2 से 3 दिन के अंदर ये पक्की कुड़क हो जाएगी। ये मुर्गी दोस्तों गोल्डन क्रॉस में है, इसने अंडे तो बहुत ज्यादा दिए थे, तकरीबन 30 से 35 अंडे इसने दिए होंगे। तो अब जाके ये कुड़क हो रही है, अगर देसी प्योर में होती तो सिर्फ 10 से 12 अंडे देती, 15 अंडे देती और कुड़क हो जाती। तो इस वजह से ये लेट कुड़क हो रही है। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, मास्टर केज में चलते हैं, अपने कबूतरों को पकड़ते हैं और उनको आज हम करते हैं आज़ाद। तुम इसको बेचारे को पकड़ो, ये देखो ये हिल भी नहीं पा रही यार। इसका नाम ऐसे बेचारे ही रख दो यार, यहाँ से इतनी ये साइड जो है ना इसकी टाइट है ना, ये वाली ऐसे लग रहा है किसी लकड़ी को मैंने उठाया हुआ है बहुत नीचे से। चलो तो यार मैंने दोनों को पकड़ लिया है, हमारी ये बेचारी कबूतरी तो बीमार है, इसका समझ नहीं आ रही दोस्तों कौन सी बीमारी है, और ये अब उड़ भी नहीं सकती, बिल्कुल ना चल सकती है। ये देखे, ये मैं खोलूंगा, ये देखे आप, ये इस तरह से कर रही है।
और मुझे नहीं लगता कि इसको लकवे में यार इस तरह से नहीं होता, ये कोई और बीमारी है, मुझे नहीं पता यार कौन सी है, समझ नहीं आ रही। अगर आप भाइयों को पता है तो मुझे लाजमी गाइड कीजिएगा कि ये कौन सी बीमारी है और इसका इलाज क्या है, मेरे इल्म में तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो यार पर हमने निकाल दिए और अब हम इसको छोड़ने लगे हैं। तो ये है गया जी नए अपने सेटअप पर, और अब आई होप दोस्तों कि यहाँ पर ये खुशी खुशी रहेगा। मास्टर केज में थोड़ा सा मुझे ये सैड सैड लग रहा था, वहाँ पर जगह जो थी ना एक मखसूस जगह थी, ज्यादा जगह और ये भी बीमार थी, और ये बीमार थी। अल्लाह करेगा यार ये यहाँ पर ठीक हो जाएगी, और इसको अब मैं वाइटमिन वगैरह भी दूंगा कि शायद कोई कमजोरी ना हो इसको, तो ये भी हम करते हैं फिर। तो आज से दोस्तों हमारे ये नए कबूतर आजाद हो चुके हैं, देखो लंगड़ा के चल रही है। तो ये जी हमारी गंजी मुर्गी आज से मास्टर केज में रहेगी, और जब तक ये लंगड़ा के चलती है उस टाइम तक दोस्तों ये मास्टर केज में ही बेहतर होगा इसको रखना। तो आप हेलो इधर आओ, ये तीन कैसे हो गए, तो दो थी गोल्डन फिंचेस यार, उसका बच्चा है ना उसके कलर आ गए माशाल्लाह पूरे, वाह वाह दिखाना इसको, ये उड़ेगा यार। सिर्फ 10% रहते हैं यार इसके कलर, ये कुछ दिनों तक बिल्कुल ओके हो जाएगा माशाल्लाह, और ये बिल्कुल अपने बाप पर जा रहे हैं, और है भी वैसे मेल ही है ये दोस्तों, इनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं और वो उनका बच्चा माशाल्लाह। तो अब हम यार ज़ेब्रा फिंचेस को देख लेते हैं यार, उन्होंने बच्चे को कितना ग्रोथ में रखा हुआ है, दो दिन हो गए देखा नहीं मैंने, और माशाल्लाह बच्चा उसका एक ही बचा हुआ था, जिंदा है मरा हुआ यार, वो भी मर गया नहीं यार, मरा हुआ यार तो बड़ा हो रहा था। हाँ ये देखो, और ये तो काफी बड़ा है यार, क्यों मर जाते हैं यार इनके बच्चे, समझ नहीं आ रही भाई। उसको खिला तो रहे थे वो, इसका मतलब ये हुआ छह बच्चे हैं यार। हाँ सारे मर गए, मुझे लगता है गर्मी की वजह से मरे होंगे शायद, हो सकता है। और उसने भी अंडे दिए हमें भाई, उसके भी मरती नहीं है यार, मैंने नोट किया वो अपने नेस्ट में जाती नहीं है। अच्छा चलो जी, मर्जी है भाई आप लोगों की, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, पकड़ सकते हम, हमारे ये उड़ गया है ना, मैंने उड़ा दिया। ठीक है ये सारे मारे हैं हमारे, क्या बात है, वो देखो सारे उड़ रहे हैं आज, फर्स्ट टाइम इतने हमारे उड़ रहे हैं। और एक और भी देखो देखो देखो, ये नया कबूतर है, ये वाला, ये हमारा नहीं है कसम से, आओ हमारा नहीं है ये वाला, ओए मिल रहा है, मिल रहा है हमारे में, ओए होए मजा आ जाएगा है ना यार, दुआ करो ये मिक्स हो जाए हमारे, वो तो साइड पे हो गया अभी, हो गया साइड पे हो गया, हाँ नहीं आया ना, नहीं यार वो बहुत ऊपर चला गया, वो देखो बिल्कुल ऊपर ऊपर आया, तो ठीक देख लेंगे वो ना, देखो वो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, कहाँ है वो, देखो वो है बहुत ऊपर चला गया, बहुत दूर है, छोड़ो छोड़ो आएगा तो आ जाएगा, हमारे कबूतर वैसे ऊपर बैठे हुए, चलो चलो। तो चलें दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, दुआ कीजिएगा कि हमारी मुर्गी जल्दी से जल्दी खुड़क हो जाए, उसके नीचे हम अंडे रखें, और हमने अपने कबूतरों को भी बाहर आजाद कर दिया, और हमारी कबूतरी बीमार है उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ, वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में दियात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।